So today we are going to see semiconductor materials. Semiconductor materials are basically used in electronic devices and different types of sensors. Now, what do you mean by sensors? Okay, sensors are those electronic devices or equipments, or we can say that instruments, which will be giving you an idea about the physical quantity. Say, for example, speedometer hai, or if you are having a temperature measuring device. So these all details of that temperature value or a speed value that will be converted into an electric signal. ये काम करता है आपका sensor. और ये काम करने के लिए उसे जिस तरह से material की properties का requirement होता है, वो property आपके semiconductor material में होती है. Okay? So now in the 10th standard, have you heard something about semiconductor materials? 10th standard में आपने कुछ इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, read किया है? Anyone? Completely new topic है आपके लिए. Okay. So now we will see this all points which are related with our syllabus, that is introduction, types of semiconductor, what are those types, what is the difference between the insulator and conductor. Okay. Then what exactly the p-type and n-type semiconductor material, ye sari cheeze hum abhi dekhne wale hai. Okay, so first point, what do you mean by semiconductor? Aisa kaun sa material hai jise hum semiconductor bolte hai? Okay, so if we talk about the semiconductor material, that then we must say that there are first material which we have studied, that is a कंडक्टर मटेरियल, राइट? कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी जो है वो क्या हो सकती है, पास हो सकती है, वो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं उसका ट्रैवल, या फिर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हो सकते हैं. क्या हुआ कार्तिक? नहीं सर कुछ नहीं, फ्लो बोल रहा था. फ्लो हो सकते हैं. ओके ओके ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर मटेरियल, जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वहां पर उसके अपोजिट साइड में हम देख सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल में वी आर नॉट अलाउइंग दोज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो एंड इट विल बी स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट. और इन दोनों के बीच में, मतलब समटाइम्स इट इज अलाउइंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो एंड समटाइम्स इट इज नॉट अलाउइंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, ये जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर सम एप्लीकेशंस, जहां पर हमारा कंट्रोल हो सके कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे हम पास करें या ना करें. ये एक प्रॉपर्टी जो है ये उस मटेरियल में आना जरूरी था, ऐसा रिक्वायरमेंट था. तो इस मटेरियल का साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इजाद किया, उसको फाइंड किया. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट दिस डेफिनेशन सेज. अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल व्हिच हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ द कंडक्टर लाइक अ कॉपर एंड एन इंसुलेटर such as glass. Conductivity of a semiconductor increases with the increase in the temperature and behavior is opposite that of the metal. So if you talk about the metal, the conductor will increase its conductivity when the temperature is increased. Okay, but semiconductor material mein kya hota hai, we will see that in the next slide ki kis tarah se ye electrons ka movement hota hai aur isme kya kya important points hai jo hame dhyan mein रखने हैं. ओके, नाउ हियर इज अ ग्राफ विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट टेम्परेचर वेरिएशन एंड कंडक्टिविटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद योर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल. नाउ दिस ग्राफ यू मस्ट हैव ड्रॉ. ओके, ये ड्रॉ करना है आपको ग्राफ. एक्स एक्सिस में आपका टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे आपकी कंडक्टिविटी है, एंड एज पर मटेरियल्स हाउ द टेम्परेचर इज अफेक्टिंग यूर कंडक्टिविटी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इंसुलेटर्स कैसे है, इंसुलेटर किस तरह से काम कर रहे है. ओके, देन सेमी कंडक्टर मटेरियल किस तरह से काम कर रहा है. काम कर रहा है का मतलब क्या है कि उसमें किस तरह से आपके गिव मी अ मोमेंट, ये ड्रॉ करो आप डायग्राम. ओके, ये डायग्राम जो है ये आप ड्रॉ करो. जैसे ही ड्रॉ करोगे टाइप डन इन द चैट बॉक्स. काफी सिंपल डायग्राम है, अभी तक तो बहुत लोगों ने ड्रॉ कर भी लिया होगा. दोज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, उनको पता है सर बताएंगे ड्रॉ करने के लिए. जो एक्सपेरिमेंट क्यों हूं तो कहीं के खबर है. पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के पास ड्रॉ नहीं किया है ये, अगर नहीं किया है तो ड्रॉ कर लो. डन. हेलो सर. ओके, डन एवरीवन.
परफेक्ट, यस सर, आगे बढ़ते हैं। यस सर, सो नाउ दिस पर्टिकुलर कंडक्टिविटी रिलेशन ऑफ योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूजफुल व्हेनेवर देयर इज एन एप्लीकेशन लाइक डायोड, रेक्टिफायर, ओके, ट्रांजिस्टर। तो किस तरह से इसको एप्लीकेशन में लेना है वो भी हमें आज देखना है, ओके। सो आई होप यू ऑल आर डन एंड रेडी विद दिस, आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ दिस सेमीकंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल, से फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग मटेरियल्स कैन बी इजीली क्लासिफाइड एज दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, बट हियर सेमीकंडक्टर्स आर वेरी स्पेसिफिक मटेरियल्स लाइक अ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम, ओके। नाउ दे are not only the pure material which are actually useful in our overall semiconductor devices, but they will be acting in between your conductor regime and insulator regime, and they are also, you can say that they are not a pure conductor and they are not a pure insulator, but they will be changing their role between the conductor and insulator, okay। आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ दिस मटेरियल इंसुलेटर एंड कंडक्टर मटेरियल्स आर डिफरेंट, लेट्स सी। एन इंसुलेटर मटेरियल हमने पहले देखा है, दैट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, नो कंडक्टिविटी एंड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड फॉर अवर सेमी कंडक्टर मटेरियल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, दैट व्हेनेवर देयर इज एन वैलेंसी अवेलेबिलिटी ऑफ अवर इलेक्ट्रॉन्स to move, that insulator is going to stop that, okay, and conductor ke liye agar hum dekhenge to it is allowing that particular valence electrons to free, keep them free, and these free electrons are actually moving. So this is an important statement, okay. Now going to the types of semiconductor, what are the different types of semiconductor, let's see. First of all, it's intrinsic and extrinsic semiconductor, first type, ओके। फर्स्ट टाइप क्या है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, दैट फर्स्ट इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, सो देयर इज नो एनी इम्प्यूरिटी एडेड, ओके। सो इट इज नॉट हैविंग एनी फॉरेन एलिमेंट, इट इज नॉट हैविंग अ, इफ इट इज अ सिलिकॉन इट विल बी अ 100% सिलिकॉन, ओके। इफ इट इज अ जर्मेनियम इट विल बी 100% जर्मेनियम, नो एनी एक्सटर्नल इम्प्यूरिटी इज एडेड इन दिस, okay, in the intrinsic semiconductor. So write down this name, intrinsic semiconductor, in your notebook. That types of semiconductor, first one is intrinsic and second one is extrinsic semiconductor, okay, perfect. These are the two types of semiconductor. Now we'll see first one, that is intrinsic semiconductor. As we have seen that it is a pure semiconductor. So this pure semiconductor can be a keyword for you. You can write down this pure semiconductor. Okay, second is that valence electrons are not free to move. Valence electrons are not free to move. And because of that, it will be acting as an insulator. So pure semiconductor material jo hai, wo aapka kya hai? Insulator ki tarah kaam karta hai. Then this semiconductor, intrinsic semiconductor ko agar humne heat kiya, then there is a chances of free electrons, there are chances of free electrons to rise and it will start conducting the electric current, okay. Now this heating is not you can say kya chal raha hai gana, क्या नंबर है इसका, एनरोलमेंट नंबर देखना पड़ेगा, सुफियान शेख लिख के रखा। सब लोग थोड़ा ध्यान दो यार, कुछ तो नहीं सीखना है तो लेफ्ट हो जाओ, सिंपल सी बात, सेल्फ स्टडी करो। अगर अटेंड कर रहे हो तो 100% दो अपना, ओके, जो कि अच्छी बात है, वही मैं आपको बताऊंगा। नहीं करना है अटेंड मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये लिखना है क्या? नहीं नहीं लिखना नहीं है, बस सुनना है पहले, जरा तू भी सुन, पहले लेक्चर में तूने भी ऐसा कुछ किया था। हाँ सर, हाँ अभी ध्यान दे, ठीक है, ओके सर, ओके। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय द हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर इज वेरी स्मॉल, एंड वी कैन से दैट हीटिंग की वजह से वहां पे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए हमें कुछ अलग तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, बढ़ाना है। वी वॉन्ट टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो
that's how this type of semiconductor is invented. That is called as a extrinsic semiconductor. Okay, extrinsic semiconductor किस तरह से बनता है, किस तरह से उसके टाइप्स है, वो हमें अभी देखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज लाइक यू हैव अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एडेड विथ योर इम्प्यूरिटी. नाउ दैट इम्प्यूरिटी इज नॉट अ सिंपल इम्प्यूरिटी वेयर यू कैन से कि जो भी मटेरियल हमें मिला है वो उसमें हम ये इम्प्यूरिटी एड करेंगे, ऐसा नहीं होता है. Impurity is like two types of impurity, and according to the type of impurity, the semiconductor material will have its own type. तो सबसे पहले हमने types of semiconductor में क्या देखा? Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Yes. And in extrinsic semiconductor, again we have two types. कौन से है? वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में. But before that, let's understand this. Now, extrinsic semiconductors are created when an impure atom is diffused or implanted into the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor किस तरह से है? Say for example, you see this diagram. Is it visible to you? थोड़ा zoom कर लेते हैं. Yes, sir. Now there yes, are sir. Silicon atoms, and silicon atoms are four electrons in the outermost shell. हर एक SI के बाजू में आप देख सकते हैं दो दो क्या है electrons है, और वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है उसका. कौन सा बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है. नाउ दिस कोवेलेंट बॉन्ड वंस इट इज फॉर्म्ड इट इज हैविंग अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल बी हैविंग द कंप्लीट ऑक्टल बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? सो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड वंस यू आर डन जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स. इट विल टेक अ 2 मिनट्स. ओके, सो ड्रॉ इट फास्ट. Okay, done everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now moving ahead with this particular valence electrons you can see here. Now we are going to add impurity in this particular crystal lattice. Okay, now when we are adding this particular impurity, so there are two types of impurity which we are going to see now. Okay, let's see. So the process of diffusion or implementation or implantation of this impurity in the atom is known as doping. So now in doping there are two types. One is lightly doped and one is a highly doped, or we can say the higher amount of doping is done. It means the higher amount of impurity is added into our pure semiconductor. Okay, now second is that the purpose of doping is to increase the number of electrons or holes to improve the conductivity of the extrinsic semiconductor. And this extrinsic semiconductor has now two types. One is called as a n-type material and another is p-type. P-type. Haan Karthik, aage se presentation chalu kar tu ya teacher. Shuru kar. Pichla slide karu main. Start reading. PPT visible hai tumko Karthik? No sir, network issue aa raha hai sir baar baar. Baarish hai na sir, lag ho raha hai. हाँ, रीड करो ये. चलो सर, धुंधला दिख रहा है, बराबर दिख रहा है सर. कार्तिक, तुझे अभी तक किसी ने कॉल नहीं किया, नहीं तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक करता था मैं तेरा अभी, ठीक है? चल जल्दी रीड कर. ओके सर, एक सेकंड. डोप्ड विद प्रीवेलेंट एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एटोनॉमी, प्योर सेमीकंडक्टर आर ऑब्जर्व्ड विद प्रीवेलेंट इंप्योरिटी. एग्जांपल एरेनिक व्हिच हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एरेनिक एटम्स विल फॉर्म एर्सेनिक, सॉरी सर, फॉर्म कोलवेंट, सॉरी कोलवेंट बॉन्ड विद सिलिकॉन एटम्स एंड एसरेनिक इलेक्ट्रॉन्स हैज नो पार्टनर्स. दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज कैरियर ऑफ नेगेटिव करंट. दिस इज एन रिजल्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर. प्रिवेलेंट इम्प्योरिटीज आर कंसिडर टू बी डोनर डोपेंट्स. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पेंटावेलेंट एलिमेंट्स. ओके, सो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी. ओके, आई होप माई ऑडियो इज क्लियर टू यू एंड यू आर अंडरस्टैंड माई प्रोनाउंसिएशन, राइट? Yes, sir. Next is that this pure semiconductor is absorbed with this pentavalent impurity when we have a 5 electrons. Okay,
So now in earlier case, we have seen that there are four electrons of a silicon atom. Now here we are adding a material which has a five electrons. Say for example, Sb, that is antimony atom, and it has a another, you can say, a valence electron, free valence electron. So what happened? This particular material is having, now an extra valence electron. Okay, so now this pentavalent impurity will be considered as a donor dopant. Now what do you mean by donor dopant? So jo doping hai, that is done with the another extra electron. Okay, so now draw this diagram in your notebook, and once it is done, just type done in the chat box. Okay, done everyone. Now, yes, this particular pentavalent impurities are added, and it is available, or we can say that it is giving you the availability of this fifth valence electrons, and also it is sharing a extra electrons with the other atoms, and it is forming a covalent bond. Okay, and then this silicon valence electrons will be again having its own bond with the another atom. So like that, if we increase the number of antimony atoms in this silicon structure, we will be getting an additional amount of electrons. Okay, so I hope this is clear to you. Now we are going to the next point, that is p-type material. Now n-type material mein hume pata chala ki there are some extra fifth valence electrons is there, and now in p-type we are just removing, or we can just reducing from 5 to 3. So pure semiconductors are absorbed with a trivalent impurity, or like indium, which has 3 valence electrons. And these 3 valence electrons of the indium atom will form a covalent bond with a valence electrons of already attached silicon atoms. Now, what happened? When there is a less amount of electrons, the bond is incomplete, and one valence electron of a silicon atom is not able to form a bond, a covalent bond wo form nahi kar payega, because there is a lack of electron, and this lack will be considered, or this void is producing a hole which is carrier of a positive current. Now what do you mean by positive current and what do you mean by negative current? Ye hum aage देखने वाले हैं, which is very important to know. Okay, with this p type of semiconductor is produced with a trivalent impurity. The word is very important, trivalent impurity, and it is considered as a acceptor. Earlier one was a donor, so it was giving a electron, and this acceptor is now receiving the electron because there is a void, there is a space. Okay, now this particular trivalent impurity is added, so there is a tendency of that material, p-type material, to trap the free electrons which are surrounded. Okay, jo aju baju mein usko agar free electrons kidhar dikh gaya, so it will try to invite that, try to accept that, and then it will be forming a bond. Okay, now let's see how p-type material, like yahan pe boron ka boron atom ka add kiya hai. Also we can have the indium here. So just draw this diagram in the notebook. Let me know if it is properly visible to you, and just draw it, and then we will move to the next point. Sir, this is the p-type of conductor, no? Semiconductor p-type, sir. Yes, p-type semiconductor. Perfect. Okay, perfect. So you are done with this. Aage badhte hai. Now if we compare these two type of material, n-type material and p-type material, how exactly this flow of current and how exactly this material are working, and how we are able to use them in our applications, let's see. So in n-type material, the current flow is simultaneously of two types. One is like free electrons in a conduction band, which we call it as a majority current carrier. Okay, so now there are two concepts which you understand, that is one is a majority carrier, second is minority carrier. Now what do you mean by that? Majority carrier is something which you can have in the maximum amount in that type of material. Matlab n type material mein hame kya milega? Majority electrons milenge, and minority kya milega? Holes milenge.
अभी होल्स मतलब क्या, वैलेंसी, वहां पे जगह है, वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर से आके वहां पे जुड़ सकता है, और वो जो होल्स है दैट विल बी क्रिएटेड बाय योर थर्मली जनरेटेड होल्स. ओके, नाउ हियर इन पी टाइप मटेरियल इट इज ऑलरेडी द मेजोरिटी विल बी ड्यू टू योर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी. ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी में क्या है, वन इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए जगह है, देर इज अ होल, एंड सो नंबर ऑफ होल्स विल बी मोर इन द पी टाइप मटेरियल एंड द मेजोरिटी करंट कैरियर विल बी द होल्स, वेयर एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी द माइनॉरिटी कैरियर इन पी टाइप मटेरियल. ओके, लेट्स सी हाउ इट हैपन. सो यू हैव अ बैटरी विच इज हैविंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ हायर और एलिवेटेड पोटेंशियल, एंड दीज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स will start moving from the excess to the lack or from supply to the demand. So the electrons are moving that way, and as per the electrons flow, the current also flows through the n-type material. Yeh n-type material ki hum baat kar rahe hai, jisme electrons jo hai, wo aapke majority carrier hai. Okay, so you can see here these green lines are your majority carriers, and the holes will be seen in a very less numbers and they will be considered as a minority carrier. Okay, now going to the next one, that is p-type material. P-type material mein we have more number of holes and less number of electrons, and because of that when the holes are flowing they will be in the higher quantity with compared to the electrons, and electrons will be at the lower quantity and called as a minority carrier. Electrons, free electrons, or you can say valence electrons will be generated with thermally generated electrons, and then its quantity will be very much less. Okay, so I hope yahan tak samajh mein aaya aapko. Now when these two materials p type and n types are combined, okay, they are combined together, they are forming a pn junction, where in one case you have more number of electrons and in another you have more number of holes. It means there are chances jahan pe excess electron hai wahan se electrons, jahan par electrons kam hai wahan par jane ki koshish karenge, aur ye koshish jab hogi तभी आपको वहां पे करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होगा. ओके, नाउ हाउ दिस सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ, लेट्स सी. आई स्टार्टेड आवर टुडे सेशन विद दिस टॉपिक ओनली, दैट हाउ दिस सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन आवर लाइफ. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द एयर कंडीशनिंग यूनिट्स. सो इन एयर कंडीशनिंग यूनिट्स वी हैव temperature sensor. So these temperature sensors are made with the semiconductor. Rice cooker with a sensor or temperature requirement, we can have the semiconductor sensor. Then CPU, computer, mobile phone, smartphone, digital camera, television, washing machine, refrigerator, these all materials along with the LED bulb. LED bulb hai, LED tube light hai, ye sare डिवाइसेस में हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो उसका रोल जो है वो प्ले करता है. ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो भी है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बिना बन ही नहीं सकता. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेमीकंडक्टर्स इन इंडस्ट्री लाइक फॉर पावर डिवाइसेस, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब भी हम यूज करेंगे तभी उसमें जो बैटरी है उसको, बैटरी को जो चार्ज कंट्रोलर लगता है या बैटरी के पावर को जो कनेक्शन लगता है, वो सारी चीजें जो है वो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही कंट्रोल होती है. ओके, और वो कंट्रोल होने की वजह से ही हम वो मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं. तो इसके लिए हम बोलेंगे कि इंडस्ट्री में भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो हायर वैल्यूज पे काम करते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स देयर कैपेसिटी, एंड देन वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर्स इन इंडस्ट्री. नाउ
दिस इज फॉर टुडे. वी हैव सीन this particular topic of semiconductor materials, and you need to write a report on the same. You have to find out